हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला में बारह क्रॉस रोड स्थित सड़क के नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास किया। सेवा समिति चौक से लेकर गुड़गुड़िया नाले तक बनने वाली सड़क पर 1 करोड़ की लागत आएगी। हालांकि पहले यह सड़क महाराजा ढाबा से पावर हाउस तक बनने वाली थी, लेकिन ठेकेदार बीच में काम छोड़कर चले गए, जिस वजह से सड़क बनने में देरी हुई और अब इस सड़क का निर्माण सेवा समिति चौक से गुड़गुड़िया नाले तक कराया जाएगा। गृह मंत्री श्री अनिल विज जी ने आज 12 क्रॉस रोड पर सेवा समिति चौक से गुड़गुड़िया नाले तक लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन रोड का शिलान्यास अपने कर कमलों से किया है। यह रोड पहले 12 क्रॉस रोड पर पावर हाउस से महाराजा ढाबे तक बननी थी, मगर बीच में ठेकेदार काम छोड़कर भाग गया था, जिसको ब्लैकलिस्ट भी किया गया। उसके उपरांत अब नगर परिषद द्वारा इसका रीटेंडर किया गया और अब 1 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क के पुनः निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। सेवा समिति चौक से गुड़गुड़िया नाले तक यह 4 लेन रोड बनाई जाएगी, जिसका आज शिलान्यास मंत्री श्री अनिल विज ने कर दिया है और इसका जल्द लोगों को लाभ भी मिलेगा। ये सेवा समिति चौक से महाराजा ढाबा तक का ये अप्रूव हुआ था, लेकिन इसके ठेकेदार ने बीच में काम छोड़ दिया था, तो उस पर कार्रवाई की जा रही है और अभी ये पुनः इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, इसको दोबारा बना